फ्रेंड्स, ऐसे स्टैंड वाले चॉपर तो सभी घर में आजकल पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन यूज करने के बाद इनकी डोरी टूट जाती है। ये देखिए, मेरे चॉपर की डोरी भी टूट गई है और मैं आज इसे रिपेयर करने की कोशिश करूंगी। वैसे रिपेयर करना इसको मुश्किल है, लेकिन आज हम इसे रिपेयर करके ही रहेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गॉर्जियस हब। मैं उर्मिला गॉर्जियस हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय चॉपर है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था। तो इसको अब हम देखते हैं कि कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रू नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब इसे हम ओपन कैसे करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर होल्स दिए हैं तीन, तो ये शायद यहीं से खुलेगा। तो मैं पेचकस ले आई हूँ, मैं इसके जरिए से इसको खोलने की कोशिश करूंगी। अगर स्क्रू हो आपके चॉपर में तो आप स्क्रू खोल सकते हैं, बट मुझे तो ये ऐसे ही खोलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसमें डाला पेचकस को और ऊपर की तरफ पुश किया तीनों होल्स में डाल के, तो ये खुल जाएगा। ये देखिए, तो ये खुल गया है। इसको मैं धीरे धीरे हटा लेती हूँ। तो अंदर कुछ इस तरह से है, ये डोरी का एंड आप देख सकते हैं। इसको हम निकालेंगे, तो पहले ये जो लिड सी ढक्कन सा लगा है इसके ऊपर, इसको मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कोई स्क्रू हो तो उसको हम खोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये डोरी यहाँ से तो खुलेगी नहीं, तो इसको निकालने के लिए पहले हमें ये जो ढक्कन सा इसे हटाना पड़ेगा। लेकिन ये हाथ से नहीं हट रहा है, ये तो आसानी से निकल रहे हैं। तो पता नहीं क्या लगे हैं यहाँ पर। तो इसको हटाने के लिए मैं पेचकस से कोशिश करूंगी। थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो फिर ये निकल ही जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पुश करेंगे, फिर मैं हाथ से इसको निकाल लूंगी। ये देखिए, तो या तो आपके जो ये होगा चॉपर, उसमें स्क्रू होगा, उसको ओपन कर लेना है, नहीं तो इस तरह से आपको निकालना होगा। अब इसे धीरे धीरे हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पत्ती लगी होती है उसकी सेटिंग खराब हो गई, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो हमने इसको निकाल लिया है, अब इसकी डोरी हम निकाल देंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया है। डोरी निकालते वक्त हमें देखना है कि डोरी कैसे लगी है। जैसे इसमें क्लॉक वाइज लगी हुई है, अगर क्लॉक वाइज लगी है तो आप क्लॉक वाइज लगाएंगे जब रिपेयर कर लेंगे, और नहीं तो आप एंटी क्लॉक वाइज लगी है तो एंटी क्लॉक वाइज लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देती हूँ, अलग कर देती हूँ। अब मेरे पास डोरी तो नहीं है, आप चाहे तो जो हम गले के डिजाइन में डोरी लगाते हैं, लटकन लगाते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन मेरे पास ऐसी डोरी नहीं है। आप जो शूज में होते हैं बारीक वाली लेसेस, उनका यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से डोरी बंधी होगी यहाँ पर, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। मैंने पेचकस से भी कोशिश की, मैंने नेल से भी कोशिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं निकला। तो मैंने क्या किया, इसको कैंची से कट कर दिया, क्योंकि यहाँ से ये मुझसे नहीं निकल रहा है। तो कैंची से कट करने के बाद अब बारी आएगी डोरी डालने की। तो अब डोरी कौन सी डालेंगे हम? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कलावा तो होगा ही आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको जो ऑप्शंस बताए उसमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलावा क्योंकि ये सूत का होता है, तो ये ऊपर से थोड़ा सा ढीला होता है, तो थोड़ा सा टाइट कर लेंगे फेविकोल या कुछ लगा के, ताकि ये इस होल में से इजीली निकल जाए। अब इसमें एक नॉट लगा दूंगी, एक नहीं दो लगाऊंगी, ताकि मोटी सी रहे। तो यहाँ पे मैंने दो नॉट लगा दी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसका, उसको मैं कट कर दूंगी। कलावा को मोली भी कहते हैं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, तो आप कंफ्यूज मत होना जो मोली कहते हैं। अब हम इसको डोरी से नाप लेंगे कितना बड़ा हमें कलावा रखना है। तो जो टूटी हुई डोरी थे उससे ही मैं इसको नाप रही हूँ। उससे मैंने थोड़ा सा फालतू रख लिया था कि बस छोटी नहीं रहनी चाहिए, ये सोचकर। अब इसको मैंने यहाँ से होल में से निकाला, तो ये इजीली चला गया है। अब ये जो हैंडल है इसमें मैं बांधूंगी इसको, तो क्योंकि वहां से मैंने कट किया था, अब वहां से तो बंधेगा नहीं, तो मैंने इस तरह से बांध दिया है इसको। तो इस तरह से हम अपने चॉपर को रिपेयर करके पैसे बचा सकते हैं। अब इसको यहाँ पर हम लगाएंगे, तो ये आप देख रहे हैं ना होलसा, ये डंडी सी है, इसमें लगाएंगे। और एक छोटी सी डंडी है, वो पत्ती का जो सर्कल सा बना हुआ है उसमें लगाना है। तो इस तरह से इसको सेट कर देंगे अच्छे से।
और ये जो दो पार्ट से हमने अलग किए थे वो उठा के रख देंगे। इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है, बस ऐसे ही रख देना है। एक अगर ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वेस्ट की तरफ, बस इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अब ये जो डोरी है इसको मैं इसको लपेट दूंगी इसमें क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने जो खोला था वो क्लॉकवाइज थी, तो क्लॉकवाइज ही खोल देंगे। हैंडल को पहले सेट कर लेंगे अच्छे से, जैसे होना चाहिए वैसा रख लेंगे। अगर डोरी पूरी तरह से आपसे नहीं लपेटी जाए तो आप पेचकस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पेचकस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितनी ज़्यादा अच्छे से लपेटा जा सके हम इसको इसमें लपेट देंगे। ये देखिए, अब इस तरह से लपेटने के बाद जैसे जैसे हमने खोला था वैसे वैसे इसको हम लगा देंगे। तो इसमें लगाएंगे हम जो इसके ऊपर छोटी सी लीड सी लगी थी तो वो यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन ये जो पार्ट है हमें इसको फिर से सही से लगा देना, ये हट गया था तो ये ढक्कन सा लगा दिया हमने। यहाँ पे ध्यान रखना ये कट आगे की तरफ था तो आगे की तरफ भी लगाएंगे। अब ये जो ऊपर का है पार्ट इसे भी लगाना है, तो यहाँ पे जो है स्लॉट सा दिया है निचले वाले हिस्से में और ऊपर भी दिया है, तो इनको फंसा देंगे। यहाँ पे ये देखिए स्लॉट सा है तो ऊपर थोड़ा सा निकला हुआ हिस्सा है वो इसमें फंसेगा, तो देख के हम इसको लगाएंगे। अगर आपका स्क्रू वाला है तो आप स्क्रू कस देंगे, बस हो गया काम। अब हमारा ऐसा है तो हम इसको लगा के अच्छे से दबा देंगे तो ये हो जाएगा फिट इसमें, और हमारा चोपर हो गया ठीक। मैं आपको चला के दिखा देती हूँ, तो ये देखिए कैसे अच्छे से वर्क कर रहा है। ये काम तो ये अच्छे से कर रहा है, आपने देखा कि ब्लेड भी इसके अच्छे से घूम रहा है, लेकिन इसकी डोरी थोड़ी सी लंबी है तो मैं इसको कट कर दूंगी जितनी एक्स्ट्रा है और इसको फिर से बांध दूंगी। और हमारा चोपर बिल्कुल तैयार है देखिए, और मैं चला के भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पर रखकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।